मौसमी बदलावों और रविवार की रात पटाखेबाजी ने 10 दिन बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा खराब की है। हवा की चाल में कमी आने और मिक्सिंग हाइट गिरने से 24 मार्च के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक औसत दर्जे में चला गया। वहीं रविवार देर रात की पटाखेबाजी ने भी इस पर असर डाला है। विशेषज्ञ इस बदलाव को अस्थायी मान रहे हैं। सफर का अनुमान है कि मंगलवार से हवा की गुणवत्ता संतोषजनक स्तर में पहुंच जाएगी। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मकसद से किए गए लॉकडाउन के तुरंत बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार आया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 व 25 मार्च की 24 घंटों में 45 अंकों के सुधार के साथ दिल्ली का AQI संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद इसमें खास फेरबदल नहीं हुआ। 28 मार्च को तो AQI अच्छी की श्रेणी में आ गया था। रविवार दोपहर बाद से हवा की गुणवत्ता में गिरावट आनी शुरू हुई। AQI शनिवार के 87 की तुलना में 102 स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को इसका स्तर 142 रहा। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी प्रदूषक धूल के वहीन कण PM2.5 थे। सफर का कहना है कि हवा की चाल धीमी होने से वो मिक्सिंग हाइट के नीचे आने पर AQI में गिरावट आई है। हालांकि यह अस्थायी है। विशेषज्ञों का कहना है कि PM2.5 के प्रभावी होने से जाहिर है कि पटाखेबाजी से भी हवा खराब हुई है। सफर का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार को बारिश हो सकती है। वहीं बाउंड्री लेयर हाइट भी ऊपर जाएगी। इससे प्रदूषक दूर दूर तक फैल सकेंगे और AQI में तेजी से सुधार होगा। अगले 10 दिन AQI कमोबेश इसी स्तर पर रहेगा। सफर ने पहले 5 दिन लॉकडाउन के वायु गुणवत्ता पर पड़े असर का आकलन किया है। इसमें बताया गया कि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुकने और दिल्ली NCR में फैक्ट्रियों के बंद होने से नॉक्स व PM2.5 की मात्रा में बड़े पैमाने पर गिरावट आई। 25 से 30 मार्च के बीच नॉक्स की मात्रा 63% और PM2.5 हवा में 49% कम हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अब तक दिल्ली की हवा 28 मार्च को सबसे अच्छी थी। इस दिन AQI 45 पर था। अन्य दिनों में ये 50 से 90 के बीच दर्ज किया गया था। कोमल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, PunjabKC.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।